यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लास का सदस्य विज्ञान पार्ट नंबर 2 चलाए आम छात्र के मोल नंबर रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 2 है का वीडियो नंबर 18। ठीक है, इसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखें और फिर इसे संतुलित रासायनिक समीकरण यानी संतुलित समीकरण लिखना है। तो जैसे कि इसका पहला पार्ट है, ए पार्ट है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है, दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है। ठीक है, आप देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, ये था सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक जड़न। ठीक है, जिंक जड़न, H2SO4 की जब जिंक से क्रिया होती है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। पहले शब्द समीकरण क्या बनेगी, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक इक्वल टू जिंक सल्फेट, जड़न ऐसा फोर बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है प्लस जड़न इक्वल टू जड़न SO4 प्लस H2, यानी कि जड़न ने क्रिया किया SO4 से, जड़न SO4 प्लस H2। ठीक है, कंप्लीट समीकरण है, संतुलित भी है, तो शब्द समीकरण हो गया ये और ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, जिंक सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये हो गया ए पार्ट। अब हम पूछते हैं बी पार्ट, के चार पार्ट है इस क्वेश्चन में, बी पार्ट देखते हैं क्या है। बी पार्ट है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्रिया करता है तनु HCl मैग्नीशियम Mg से क्रिया करके बनाएगा मैग्नीशियम का क्लोराइड, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहले शब्द समीकरण लिखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि HCl प्लस Mg इक्वल टू MgCl2, मैग्नीशियम का क्लोराइड होता है MgCl2 और प्लस H2, यानी कि यहाँ पे दो से गुणा करनी पड़ेंगी MgCl2, Mg1 Cl के दो और H के दो, सेटिस्फाई हो गया समीकरण। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, बी पार्ट हो चुका है, अब पहुँचते हैं हम पार्ट नंबर सी पे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूट से क्रिया करता है, सी पार्ट है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण से क्रिया करता है, एल्यूमिनियम चूर्ण से क्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी Al होता है फॉर्मूला, एल्यूमिनियम का सल्फेट बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। देखिए कि बनेगा कैसे, H के प्लस दो, H का प्लस एक आयन होता है, SO4 के माइनस दो होते हैं, Al का प्लस थ्री, तो ये करेगा क्रिया इससे AlSO4 से। ठीक है, अगर Al के प्लस तीन, SO4 के माइनस दो और H का एक रहा तो क्या बनेगा, Al संयोजकता बदल के Al का यहाँ टू और ये तीन आ जाएगा यहाँ SO4 के तीन, Al2SO4 का होल थ्राइस। यानी एल्युमिनियम का जो सल्फेट बनेगा उसका नाम है, यानी उसका जो फॉर्मूला है
एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पे बनने वाला Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस H2। देखते हैं समीकरण कैसे संतुष्ट होगी। ये तो हमने समीकरण के रूप बना दिया, Al2 यानी एल्युमिनियम के दो होने चाहिए, ओके। SO4 का होल थ्राइस है तो SO4 के तीन होने चाहिए ना, H2SO4 था, SO4 के तीन आ गए, Al सेट हो गया, SO4 सेट हो गया, H के हाइड्रोजन के तीन दुनी छः, तो 3H2 हो जाएगा, 3H2SO4 प्लस 2Al इक्वल टू Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। तो ये क्या ना एल्यूमिनियम सल्फेट बना, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी। ये था सल्फ्यूरिक अम्ल, ये था एल्यूमिनियम का चून। तीन पार्ट इसके हो चुके हैं, पार्ट नंबर सी, एक पार्ट और बचता है पार्ट नंबर डी, ठीक है। तो डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, डी पार्ट देखें इसमें क्या कहा है। डी पार्ट है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, लोहे के रेतन यानी कि उसकी छीलन वगैरह है, लोहे की छीलन कह सकते हैं, के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे की रेतन या छीलन के साथ अभिक्रिया करता है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl और लोहा यानी Fe, ठीक है। Fe लोहा से क्रिया करानी है, उसके साथ देखो क्या बनता है। तो पहले लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस Fe। H पे प्लस वन आयन होता है, Cl पे माइनस वन होता है, Fe पे दो भी होते हैं, फेरस और फेरिक दो होते हैं, FeCl3 यहाँ पे फेरिक होगा, फेरस और फेरिक दो होते हैं, तो FeCl3 बनेगा और H2 बन जाएगा। अब देखिएगा फेरिक क्लोराइड FeCl3, तो FeCl3 प्लस यहाँ पे इसके तीन जैसे क्रिया करेगा, Fe का प्लस तीन, Cl का माइनस वन, संयोजकता बदल के लिखी जाएगी, वन यहाँ Cl का यहाँ, तो FeCl3 बन जाएगा FeCl3। अब बाकी H बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनानी है, Fe तो अकेला है, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाइंग कर दें, Fe प्लस 6HCl, तो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन के 6 हो गए, यहाँ पर 3 हैं, 2 से गुणा कर दें, क्लोरीन के 6 हो जाएंगे, ओके। Fe के 2 हो गए तो 2 से गुणा कर दो, चलो कोई बात नहीं। इसका फ़ायदा लगेगा यहाँ 6H यानी कि 3H2 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम गुणा ना करते तो थोड़ा सा दिक्कत होती, Fe तो सेट था, FeCl3 3 से करते तो हाइड्रोजन का नवजात हाइड्रोजन रह जाता, यानी हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है, नवजात हाइड्रोजन के रूप में नहीं निकलता है, यानी कि 2Fe प्लस 6HCl इक्वल टू FeCl3 प्लस 3H2, ये है ना फेरस क्लोराइड, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये लोहे की रेतन यानी कि लोहे का चूर्ण, और ये फेरस क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है।